हे इंद्रिय वर्ग और इंद्रियाधिष्ठान देवता, मैं तुमसे संबंध रखने वाले पुरातन ब्रह्म में नमस्कार चित्त प्रधान आदि द्वारा मन लगाता हूँ। सन्मार्ग में विद्यमान विद्या विद्वान की भांति मेरा मुझे कीर्तनीय श्लोक स्तुति पाठ लोक में विस्तार को प्राप्त हो। जिन्होंने अब सब ओर से दिव्य धामों पर अधिकार कर रखा है, वे अमृत हिरण्यगर्भ के पुत्र विश्वे देवगण श्रवण करे। यजे वाम इत्यादि इंद्रिय और उनके अनुग्राहक देवगण तुम दोनों के द्वारा प्रकाशनीय होने के कारण तुमसे संबंध रखने वाले ब्रह्म में मन को नियुक्त समाहित करता हूँ। तात्पर्य है कि ब्रह्म इनके द्वारा प्रकाशित है, अथवा वाम इस शब्द का यदि बहुवचन में अर्थ किया जाए तो तुम्हारे करणभूत पूर्वतन चिरकालीन ब्रह्म में मैं चित्त समाहित करता हूँ, ऐसा अर्थ होगा। किस प्रकार चित्त समाहित करता हूँ? नमस्कारों द्वारा यथार्थ चित्त प्राणिधान मनोनियोग आदि के द्वारा इस प्रकार चित्त समाधान करने वाले मेरा कीर्तित कर्तव्य श्लोक मतलब स्तोत्र पाठ मार्ग में वर्तमान वर्धमान के समान विविध रूप विस्तार को प्राप्त हो जाए, अथवा पथ्या इव ऐसा पदच्छेद करके पदथ्या का अर्थ कीर्ति करना चाहिए, अथवा अर्थ विद्वान की कीर्ति की भांति मेरा श्लोक विस्तार को प्राप्त हो। इस प्रार्थना रूप वाक्य को अमृत ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ के सूर्य रूप समस्त पुत्र सुने। वे कौन हैं जिन्होंने संपूर्ण दिव्य दुलोकांतर्गत धामों पर अधिकार कर रखा है? संहिता की अनुज्ञा के बिना हानि, युज्यान प्रथमम मनः इत्यादि मंत्र से सविता आदि की प्रार्थना कही गई है, किंतु जो पुरुष उनकी प्रार्थना न करके उनकी आज्ञा अनुज्ञा के बिना ही योग में प्रवृत्त होता है, उसकी भोग के हेतुभूत कर्मों में ही प्रवृत्ति हो जाती है। ये बात अब श्रुति बताती है। जहाँ अन्नदानात कर्म में अन्न का अग्नि का मंथन किया जाता है, वहाँ वायु का अविरोध होता है, और जहाँ सोमरस की अधिकता होती है उन कर्मों में ही उनकी उनके मन की प्रवृत्ति होती है। अग्नि यत्र इत्यादि जहाँ अग्नदानादि में अग्नि का मंथन किया जाता है, वहाँ वायु की स्तुति आती है, मैं वायु का अधिरोध होता है। अथवा जहाँ सविता से प्रेरित होकर वायु शब्द को अभिव्यक्त करता है, और जहाँ दशा पवित्र मतलब छानने वस्त्र से पवित्र किए छाने हुए सोमरस की अधिकता होती है, उस यज्ञ कार्य में उसका मन लग जाता है। यज्ञ यत्रा विमथ्यते, इस मंत्र की ये दूसरी व्याख्या की जाती है। अग्नि परमात्मा को कहते हैं क्योंकि वह अविद्या और उसके कार्य को दग्ध करने वाला है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि मैं अपने भक्तों के अंतकरण में स्थित होकर प्रकाश में ज्ञान दीप से उसके अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। उस परमात्मा ने का दे स्वदेह परमणि कृपया इत्यादि पूर्व मंत्र से कहे हुए स्वाध्यान रूप निर्मंथन के द्वारा जिस पुरुष में मंथन होता है वो तथा वो जहाँ वायु का अवरोध होता है, अर्थात रेचकादि क्रियाओं के कारण जहाँ वायु अव्यक्त शब्द करता है और जहाँ अनेक जन्मों तक अग्नि की सेवा करने से सोम की बहुलता होती है, उस यज्ञ दान तप प्राणायाम एवं समाधि आदि से विशुद्ध हुए अंतकरण में ही पूर्णानंदा द्वितीय ब्रह्माकार मन मनोवृत्ति का उदय होता है। अन्यत्र अशुद्ध अंतकरण में नहीं कहा भी है, क्योंकि जिसका चित्त प्राणायाम के अभ्यास से शुद्ध हो गया है वही उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है, इसलिए इस प्राणायाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसी श्रुति है। अनेक जन्मों के संसार
अनेक जन्मों के संस्कार संसार से जो पराशि संचित होती हो गई है उसके क्षय हो जाने पर पुरुषों की बुद्धि श्री गोविंद की ओर जाती है। सहस्त्रों जन्मों के अंतर तप दान तप ज्ञान और समाधि के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गए हैं उस पुरुष की श्री कृष्ण चंद्र में भक्ति होती है। अतः सबसे पहले यज्ञादि का अनुष्ठान किया जाता है, फिर प्राणायाम आदि का, फिर समाधि का और उसके पश्चात महावाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है तथा उससे कृतकृत्यता होती है। सविता की अनुज्ञता से लाभ, क्योंकि सविता देवता की अनुज्ञा न होने पर उसकी भोग के हेतुभूत कर्मों में ही प्रवृत्ति होती है, इसलिए सविता देवता के द्वारा अनुज्ञात होकर उस चिरंतन ब्रह्म का सेवन करना चाहिए। तुम उस ब्रह्म में निष्ठा समाधि करो, इससे पूर्त कर्म तुम्हारा बंधन करने वाला नहीं होगा। सविता द्वारा प्रसूत यानी जो अन्न प्रसव करने वाला है उस सविता द्वारा अनुज्ञात होकर चिरंतन ब्रह्म का सेवन करना चाहिए। उस ब्रह्म में तुम योनि समाधि रूप निष्ठा करो, ऐसा करने पर मुझे उससे क्या होगा सो श्रुति बताती है। न ही ते इत्यादि इससे तुम्हारा पूर्त स्मार्त इष्ट कर्म और श्रोत कर्म भी पुनः भोग के हेतु से बंधन नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानाग्नि के द्वारा वह बीज सहित भस्म हो जाएगा। कहा भी है जिस प्रकार अग्नि में डाला हुआ सिंगी का रुआ भस्म हो जाता है उसी प्रकार उस ज्ञानी के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त पाप कर्मों को भस्म कर डालता है इत्यादि। ज्ञान योग की विधि और उसका महत्व ऊपर ये कहा गया है कि उसमें समाधि करो, सो वह समाधि किस प्रकार की जाए उसी ऐसे आशंका करके उसका प्रकार दिखाते हैं। सिर ग्रीवा और वृक्षस्थल इन तीनों को ऊंचे रखते हुए शरीर को सीधा रख मन के द्वारा इंद्रियों को हृदय में सन्निविष्ट कर विद्वान ओंकार रूप नौका के द्वारा संपूर्ण भयानक जल प्रवाह को पार कर जाता है। वृक्षस्थल ग्रीवा और सिर ये तीन जीव में उन्नत उठे हुए हैं। Sorry, I'm not sure. दिखे रखे जाते हैं उस रुद्र शरीर तीर्ण शरीर को समान भाव से स्थिर किया जाता है तथा मन के द्वारा मन एवं चक्षु आदि इंद्रियों को हृदय में नियंत्रित कर ब्रह्म ही उदूप तरण का साधन है। उस ब्रह्म रूप उड़ूप के द्वारा यहाँ आचार्य लोग ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रणव बताते हैं। उस नौका स्थायी प्रणव के द्वारा काकाक्षिन्याय से उसका सन्निवेश और तरण दोनों के साथ संबंध है। यथार्थ प्रणव के द्वारा मन और इंद्रियों को नियत कर प्रवाह प्रणव ही से विद्वान संसार सरिता के स्वाभाविक अविद्या कामना और कर्मों द्वारा प्रवर्तित भयावह प्रेत त्रियक एवं ऊर्ध्व योनियों को प्राप्त कराने वाले पुनरावृत्ति के हेतुभूत स्तोत्रों का पार कर लेता है।